नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 3900 प्लस पदों के लिए के भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से अगर बात करें तो आपसे 1186 पदों के लिए आपकी स्टेनोग्राफर के लिए भी के ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की आपकी सैलरी वो क्या रहने वाली है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने हो वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AHC स्टेनो नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के 1186 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से AHC यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आपकी पोस्ट है उसके बारे में। तो AHC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी की अगर बात करें तो 881 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश की अगर बात करें तो 305 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1186 पदों के लिए अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी विषय में। साथ में आपके पास क्या स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास CCC सर्टिफिकेट इश्यू बाई NIELIT यानी DOEACC सोसाइटी एंड स्पीड ऑफ आपकी क्या 25 या फिर 30 वर्ड आपकी क्या परमिट आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश में आपकी टाइप राइटिंग और कंप्यूटर पर होनी जरूरी है। यानी सीधी सीधी बात इन्होंने बोली है कि आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आपकी क्या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 से 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में हिंदी में आपकी क्या आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मांगी गई है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 30 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 13 नवंबर 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और OBC के लिए आपकी 1000 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और AWS के लिए 800 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आपको अपनी फीस का भुगतान करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर का होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो AHC स्टेनोग्राफर स्टेज फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स की संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर
पेपर के बारे में, तो एएससी स्टेनोग्राफर का आपका जो पेपर होगा उसके बारे में अगर बात करें, तो पेपर आपका ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर की समय अवधि है वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेज और टेंस से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको क्या 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको विशी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से क्या वो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अगर बात करें जनरल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड की, जियोग्राफी आएगी आपकी यूपी की, सॉरी आपकी क्या है यूपी की जीके आएगी, और इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा फोकस है वो करंट अफेयर पे करना है, पिछले 6 से लेकर 9 महीने की करंट जीके आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, मेंशुरेशन, डिस्काउंट, रेस्टोरेंट टाइम, रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन, होल नंबर्स, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में आएगा संधि और संधि विच्छेद, समास और सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना और शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, इसके अलावा वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग, क्रिया जिसमें अक्रमक, सकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के प्रवासिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल और संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट, इन सभी टॉपिक की प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी टॉपिक की क्या मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, जिसमें 40-40 क्वेश्चन की आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जो आपकी क्या प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए वो सारे प्रश्न इसमें आपको करवाए हुए हैं। तो वो लगाना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री सुविधा आपके लिए, आप वहां से लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या स्टेनो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनो की अगर बात करें तो स्टेनो में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें 25 से 30 वर्ड आपके क्या इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर में होगा आपका 25 नंबर का, और 25 से 30 वर्ड आपके क्या हिंदी टाइपिंग होगी आपकी कंप्यूटर में 25 नंबर का आपको क्या है आपका यह आयोजित किया जाएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। अगर बात करें तो आपको 250 वर्ड का एक पेशे दिया जाएगा और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा हिंदी में। अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपके 300 वर्ड आपको टाइप करने और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं जब आपका स्टेनो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका शॉर्ट एंड होगा। शॉर्ट एंड में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, 80 वर्ड पर मिनट इन ए हिंदी शॉर्ट एंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट एंड ऑन कंप्यूटर 50 नंबर का आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट एंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट एंड, यानी आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में आपका ये होगा 100 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट, ये आपका इंग्लिश में आयोजित किया जाएगा। टोटल आपका ये 50 नंबर का कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका हो गया शॉर्ट एंड का। अब बात करते हैं जब आप ये पास कर लोगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो उससे पहले बात करते हैं थोड़ी शॉर्ट एंड के बारे में। तो आपकी हिंदी स्टेनोग्राफी होगी, 400 शब्दों का आपका क्या एक पेशे दिया जाएगा, और आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से क्या आपको ये लिखना है हिंदी में। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको 400 400 वर्ड का जो आपको दिया जाएगा एक पेसेज, उसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट की गति से आपको टाइप करके लिखना है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपको 5200 रुपये से लेकर 20,000, सॉरी 5200 रुपये आपका क्या ग्रेड पे होगा और 20,000 आपको क्या सैलरी दी जाएगी, 5200 रुपये से लेकर 20,000 और ग्रेड पे आपको 2800 रुपये वो दिया जाने वाला है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एएससी स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एएससी स्टेनो का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एएससी स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, एएससी स्टेनो की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके सारे डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दिया आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।